नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपको फिट इंडिया फिट चैनल में। आज बताने जा रहे हैं हड़कड़ंकी का इस्तेमाल कैसे करना है, जो आपके जोड़ और हड्डियों में जो दर्द है उसके लिए रामबाण का काम करता है। मित्रों, तो आप हमने 12 इंच का टुकड़ा अपने रूफ गार्डन से लिया है, ये हड़कड़ंकी का, और इसको हमने धो लिया है पूर्णतः, और इसको ऊपर के छिलके हमने चाकू की सहायता से हमने निकाल देनी है। आपको पता है हड़कड़ंकी के जो फ़ायदे हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। इसके पुराने से पुराने जोड़ों का दर्द को ये ख़त्म करता है। अगर आप इसके सुबह शाम ये चार चार पाँच पाँच पकौड़े रोज़ खाएं, तकरीबन 2 से 3 महीना इसका सेवन करें, तो आपके आपके ये प्रॉब्लम परमानेंट दूर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप साफ़ करें इसको मित्रों। साफ़ करने के बाद इसको मिक्सी या ग्राइंडर किसी भी चीज़ से इसको पीस लीजिए। पीसने के बाद इसको आपको बेसिन में मिलाना है। ध्यान रहे, बेसिन अगर आप चाहें तो मसूर की दाल के लिए तो अति उत्तम होगा, अदरवाइज़ आपको जो स्वाद अनुसार पसंद है आप उसमें बनाएं। और उसके बाद मित्रों, इसको इसमें नमक डालिए, हल्दी डालिए, जीरा पाउडर डालिए, हींग डालिए, इस और थोड़ा सा मिर्च पाउडर डालिए आपको स्वाद के अनुसार जो ठीक लगता है। और इसके जब आप पकौड़े तैयार करोगे तो आपको 4 पकौड़े सुबह 4 पकौड़े शाम आप खाओ। मैंने हींग देखो दिखा, हींग डाला, तो ये आपके ना 3 महीने में आपकी जो प्रॉब्लम है वो परमानेंट दूर कर दे। और चटनी के लिए मैं रूफ गार्डन से मैं पुदीना लाया और मैं उसका चटनी बनाया हूँ, मैं बढ़िया तरीके से धो के। इसकी चटनी में ज़्यादा कुछ लगता नहीं, मिर्ची नमक आपको लगेंगे और ये आपकी इसकी चटनी तैयार कर सकते हो। तो आप इस तरीके से पकौड़े डीप फ्राई में किसी भी ऑयल में आप कर सकते हो, जो आपको पसंद है। पकौड़े का साइज आप अपने ऊपर रख सकते हो, आप किस तरीके का खाना चाहते हो। देखो मैं छोटे छोटे रखता हूँ, तो इस तरीके से आपके पकौड़े तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, ये है रामबाण जो आपको जोड़ों के दर्द में आपको राहत देगा 3 महीने के अंदर। तो देखो मैं ये चटनी बना रहा हूँ उसके साथ खाने के लिए। आपको पता है थोड़ा सा ये गले को पकड़ता है, ये जो है ना हड़कड़ंकी का जो पकौड़ा, जैसे ओल वगैरह का होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा चटनी आप चटपटा बना लो। आप पुदीना, नमक, मिर्ची और थोड़ा नींबू मिला के, तो इस तरीके से आपको फ़ायदा करेगा। मैं बीच में बोलना चाहूँगा दोस्तों, आप मेरे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इस तरह का जो नया जो भी प्रैक्टिकल करता हूँ पुरानी चीज़ों के ऊपर, जो हमारे पूर्वज किया करते थे और वो प्रैक्टिकल हमको कितना फ़ायदेमंद है, तो वो प्रैक्टिकल करके मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो इस तरीके से आपका पकौड़ा और चटनी तैयार है दोस्तों। आप अपना सेहत बनाएं और दुरुस्त रखें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।